ये जलेबी क्या है ये? अच्छा हाँ, ये तो ऑल आउट की तरह है। ठीक है, बाय बाय। इसको इतने पागल है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर से बादल आ गए हैं, लगता है बारिश जो है वो आने वाली है। मैं आई थी इधर धनिया लेने, तो चलिए हस्बैंड भी आए हैं दिल्ली से और मिलवाते हैं आपको उनसे। स्पेशल एक डिमांड उन्होंने रखी है बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। और अब फरमाइश आ रही है जलेबी की, इनको खानी है जलेबी। कौन सी, सिंपल वाली या पनीर वाली? पनीर भी बना दो। ओ, अंदर से तो आ गई कि पनीर वाली। अच्छा बनाओ जरा, ऐसे तो तुम लोग ना अकेले अकेले बना के खाते रहते हो। चलो बनाओ, अभी देखते हैं। अकेले कब खाई? जब मैंने YouTube चैनल नहीं खोला था ना, स्टार्टिंग में लॉकडाउन के टाइम, तब बनाई थी। अभी उसके बाद जलेबी तो नहीं बनाई, गुलाब जामुन बनाई है। बेटे की फरमाइश आ रही है कि दोबारा से आटा के गुलाब जामुन बनाए जाए, पर आज अभी हम बना रहे हैं। आप करोगे ना हेल्प मेरी? चलो अभी करते हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। ये देखो, ये तो हेल्प करने के बजाय उल्टे काम डालता है, तो चलिए हेल्प करो अभी। चलो हाँ चलो, आज बनाते हैं पनीर वाली जलेबी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। लेकिन बनेगी कैसे, क्योंकि पिछली बार मैंने सिंपल वाली बनाई थी, पनीर वाली नहीं बनाई थी। पनीर वाली फर्स्ट बार बना रही हूँ, जैसी भी होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी और जज होंगे ये। तो चलिए उठो उठो जल्दी से, बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं तब से, सुबह से लेटे हुए हैं। ठंड है बहुत यहाँ पे। हाँ कहाँ ठंड है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। चलो उठो। चलो चलो ठीक है। और जलेबी बनाने के लिए ये मैंने ना दूध का बना लिया है पनीर, और इसमें बनाएंगे चाशनी। और मैं ना वैसे तो ऑरेंज कलर या रेड कलर जलेबी में डलता है, पर आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, मैं ग्रीन कलर डालूंगी। और ये है बेकिंग सोडा, और ये है कॉर्नफ्लावर है इसमें थोड़ा सा, और मैदा है, और ये है चीनी। तो सबसे पहले चाशनी के लिए हम रख लेंगे बनाने के लिए गैस में। और चाशनी में डालने के लिए इलायची मैंने ले ली है, इसको अच्छी तरह से हमें कूटना है। तो जी चाशनी बनने के लिए मैंने इसमें डाला है पानी और कलर, और ये है बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा, साथ में पनीर। ये नई मशीन कैसे क्या करेंगे इससे? मिक्सी खराब हुई अब इसको यूज कर देंगे। और सारी चीजें इसमें ऐड कर दी है, और अब हम इसको दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे। चलो मिक्स करने वाला काम आप करो, इनमें को ये स्पून निकालने दो ना पहले। ये देखो जी, जुगाड़ू काम है। आप आपके पास अगर कुछ ना हो जलेबी बनाने के लिए, तो ये जुगाड़ तैयार करें। देखो ये जुगाड़ू काम, ये बनेगी जलेबी।
ये इतनी बड़ी जलेबी? जलेबी नहीं है, जलेबा है। ये लास्ट वाली मैंने बहुत बड़ी बनाई। ये लो जी, ये देखो यहाँ पे ऐसे क्रंची है ना। ऐसे अच्छा है, मीठा भी कम है। बाहर आप खाते हो तो इतनी ज्यादा बोलते हैं ना, चाशनी ज्यादा होती है उसमें, वाला होता है ना, तो इसमें लाइट हल्का शुगर है, तो यानी कि शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। तेरा तो नहीं मन कर रहा, बार बार मुंह आगे कर रही है खाने के लिए। चल अच्छा एक बार टेस्ट कर ले, तू भी टेस्ट कर ले। अच्छी है। और ग्रीन कलर तो इतना कोई खास इसमें नहीं आया, क्योंकि हमने सोचा था कि पूरा ग्रीन आएगा, पर ग्रीन पूरा नहीं आया ना। अच्छा, मैं वो डिफरेंट, सारा डिफरेंट हो गया ना देखने में। वैसे ऑरेंज कलर डाल दे तो और भी अच्छा आता, पर ठीक है, इतना भी ठीक है। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है ना, और ये तो पूरी खाएंगे। इसमें से तीन बेटा जो है वो बनाते बनाते ही खा चुका है। ये क्या है ये? अच्छा हाँ, ये तो ऑल आउट की तरह ऑल आउट की कॉइल लग रही है। ये तो खा ले इसको। अरे नहीं रहने दो। बढ़िया। तो चलिए जी, आज की वीडियो का अब हम करते हैं यहीं पे एंड। अभी इसको गुलाब जामुन खाना है। अभी तक जलेबियां खत्म ही हुई, गुलाब जामुन की रिक्वेस्ट पहले से ही आ गई। कल गुलाब जामुन भी बना लेंगे एक बार, ट्राई। गुलाब जामुन तो चलिए जी, आज की वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड। आप भी ऐसे बना सकते हो घर में, और ट्राई करना चाहिए। बने ना बने देखी जाएगी, बना के देखो बन जाएगी तो अच्छी। एक बार नहीं बनी तो दूसरी बार तो पक्का बन जाएगी। स्टार्टिंग का थोड़ा होता है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस जैसे होती है ना, तो फिर आ जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, बाय बाय। इसको पागल।